कि 9 महीना बीत चुका है फिर भी जिया क्यों नहीं जा रही है हॉस्पिटल, हम लोग क्यों नहीं लेकर के जा रहे हैं, आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि हम लोग इतनी ज्यादा लापरवाह क्यों हो रहे हैं। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी, स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। इधर जिया जो है सोकर की उठ चुकी है, हो गया नींद पूरा? कितना सोई? 2 घंटा, कमी तो नहीं रही सोने में? ये तो थोड़ा और सोना है तो सो सकते हैं। आज कूलर था तो नींद हुआ बहुत दिनों बाद। अच्छा, कूलर से बहुत ही आराम हुआ। हम महाराज जान के कोई गेस्ट आ रहा है ये बताना चाह रहे हो ना? अच्छा, गेस्ट और मेहमान अलग अलग होता है क्या? नहीं, एक कमेंट कर रहा था कि भैया एक दिन कौवा कौ कौ कर रहा था तो मम्मी आ रही है। हाँ। और दूसरे दिन कौवा कौ कौ कर रहा है तो बाबू आ रहा है क्या? आज जो है सोकर उठने में फिर से हो गए जी लेट, और गर्दन में जो दर्द हो रहा है जी पूछिए मत, लगता है कि गलत पोजीशन में हम सो गए थे। हाँ, एक चीज ध्यान है कि बिना तकिया के सो गए थे और करवट ले करके, शायद इसी वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। ये भाई साहब किसका इंतजार कर रहे हैं ये सब? पापा ने जो है मोटर भी चला दी है तो चलिए जल्दी से इसको ऑन कर ले। कौवा चला गया। ओ भाई साहब, ये यहीं पर है। इसको ऑन करते हैं। ठीक है भाई, पानी पटा रहे, अंदर भी पानी डाल। पानी हो गया पटाया हुआ पूरा पौधे में, क्या कर रहे हैं आप? पाइप को ठीक कर रहे हैं ताकि किसी को पैर। ये देखिए वहाँ पूरा आप उसी पे डाल दिए पौधे पे, वो यहाँ पर चलेगा, पैर में लग जाएगा। उनको लग रहा है अभी भी पौधे में कमी है? पौधे में कमी बिल्कुल है, चाह रहे हैं कि कुछ और भी फूल होना चाहिए, स्पेशली चाहते हैं कि गुलाब से भरा हुआ रहे छत। तो नर्सरी जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे कोई अच्छा जैसा मिले और बड़ा जैसा गुलाब मिले तो और ज्यादा मजा आएगा। कि एक गुलाब हमारा चला गया आंधी। एक गुलाब आंधी में चला गया, एक जो है शायद खराब हो गया, तो बस बचा हुआ एक गुलाब उधर और एक गुलाब इधर बस। ऊपर में तो पानी डाल दिया जी, फिर आ गए नीचे और जिया बनाई आज लेमन टी। मुझे चाय उतना ज्यादा पसंद है नहीं, लेकिन यह नींबू वाली चाय जो है तो थोड़ी सी नियत बदल जाती है। बहुत ज्यादा पसंद है लेकिन इनकी वजह से हम नहीं पी पाते हैं, तो मम्मी कल बोली है कि गरम गरम पीना है तुमको, हम सोचे कि लेमन टी आज बना लेते हैं। बढ़िया है, पियो, कोई दिक्कत नहीं। इस समय पीना अलाउड है? पीना कुछ अलाउड नहीं है, ये कैमरा के सामने अलाउड है। आज बारी है जी बेल के शरबत, ये तो सुबह सुबह पिया जाए इसको। इसको हम फोड़ करके लाते हैं और लग रहा है कि अच्छा खासा पक गया है। बस ये कुछ दिनों का मेहमान है, कुछ दिनों का, हमको लगता है इसमें भी शक कि ये सर नहीं गया हो। ऐसे आप आइए फोड़ के देखिए, थोड़ा सा पार्ट सरा होगा, पूरा नहीं सरा होगा। थोड़ा सा पार्ट सर जाता है ना तो पूरा बेल खराब हो जाता है। देखते हैं तो जिया का अनुमान जो है सही निकला, बेल का हालत देख लीजिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। जिया इतना बेल का शरबत बनाई है, इतना बनाई है कि ट्रेंड हो गई है, पता चल जाता है कि कौन सा बेल का शरबत है। जब हम गर्मी आती थी ना हमारे घर में, बाबा जो है एक बोरा बेल लाते थे और डेली दोपहर में मेरा काम था कि बेल का शरबत बना के उनको देना। अच्छा। एक जो बेल था उसका तो हो गया पैसा बर्बाद, अब देखते हैं दूसरा बेल वो सही है कि नहीं। सही है तो जिया सुन करके बता दी। तो देखते हैं इस बेल का क्या हालत है। ओहो, सही है, वाह जिया, जिया को हम रख देंगे बेल एक्सपर्ट। बेल एक्सपर्ट बनाइए बेल। अब जिया बेल का शरबत तो बना रही है लेकिन खुद नहीं पी पाएगी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बेल का शरबत पीने से जो बच्चे का कान बहता है, पता नहीं कितनी सच्चाई है, कुछ प्रॉब्लम होता है। लेकिन एक बात तो है कि ठंडा है, ये ठंडा चीज इस समय लेना नहीं चाहिए उतना। डैडी और पापा का है, ठीक है, इसमें क्योंकि बिल्कुल भी चीनी नहीं है, और ये बीच में डाल दी है ताकि आपको याद है। ये मम्मी का है, माँ का है, और ये मोनू का है। ऋतु पति की नहीं, हमारी है, लेकिन आप पहला दो बिना चीनी वाला है। कौन सा है बिना चीनी वाला बताइए? ये दोनों। हाँ, ये तीनों चीनी वाला। ठीक है, चलो अच्छे से दिए, आप गड़बड़ मत कर दीजिए। ये रहा तुम लोग का बेल का शरबत, इसमें से कुछ है चीनी वाला और कुछ है बिना चीनी वाला। सरल काटने जियो तो बिना नहीं, सरावा नहीं है, जिया एक्सपर्ट है, सरावा निकाल देती है। ठीक है, तो ये है बिना चीनी वाला और ये सब है चीनी वाला। तो तुम्हारा, मम्मी का, मोनू का, ये तीन है, डैडी और पापा का वो है। अभी कुछ देर पहले ही सभी ने बेल का शरबत तो पिया ही था, तो ने यहाँ पर फल भी काट दिया है, तो सभी का नाश्ता होगा फल से ही। हेलो, नाश्ता यहाँ पर जिया तैयार कर रही है मेहंदी। ये आपके लिए, आप बाल धोइए जल्दी से, बाल में लगाएंगे। हम कहते हैं ये मेहंदी लगाती हो। अच्छा। उसमें अमला भी रहता है, रीठा भी रहता है, वो ज्यादा होगा फायदा। अब देखो ये लोग मानती है कि नहीं। ठीक है, तुम जो है मेहंदी बाद में लगाना, पहले मेरा चश्मा ढूंढ दो। आप पहने क्या?
चश्मा पहने हुए बताइए जी क्या हाल हो गया है? चश्मा पहने हुए यार हम ढूंढ रहे हैं चश्मा किधर है, चश्मा किधर है, पूरा ढूंढ रहा लड़के चश्मा कहाँ है, चश्मा चश्मा सर दिन में 10 बार चश्मा खोते हैं, अगर इनको ढूंढ के नहीं दे तो इनको मिलेगा नहीं। एक बार आप बोल दीजिए कि चश्मा अच्छे से सही जगह पर रखिए तब इनका पाद मंदिर मेरे बाल में तो मेहंदी लग गया जी, अब आ रही है मम्मी के बाल में लग रहा है। लोग पैकेट खोल के खुद लगा लिया और जो बचा है वो मेरे बाल में आगे में लगा लिया। मम्मी बोली ही नहीं तो हम बचा लेते बोली जब बच गया था मेरे बाल में उतना लगता भी नहीं है, ये क्या अब बचे भी हम समझौता कर लेते हैं जो ही दे दे रहा है उसी से ले लेते हैं। और मेहंदी तो हमको लगाने की जरूरत है नहीं, जिया लगा देती है ताकि बाल मेरा पके नहीं, लेकिन एक तो हेयर फॉल कम होता है, बाल झड़ना थोड़ा कम हो जाता है, बहुत कम हुआ। और हम तो लगाते हैं मतलब हम तो महीने में एक बार लगाते हैं। मम्मी कह रही है क्या हाँ। बूढ़ी दादी नहीं बनना चाहते, हम मॉडर्न दादी बनना चाहते हैं। है तो बाल मेरा बिल्कुल सफेद है तो फिर वो बच्चे में रहेंगे तो नहीं कलर कर पाएंगे या नहीं मेहंदी लगा पाएंगे हाँ। इसलिए मैं पहले से तैयारी कर रही हूँ अपने पोता के जो मॉडर्न दादी जैसे लगे। तो आप तो आया है इतना बड़ा सा कद्दू भी आया हुआ है, हनुमान जी का गदा, हनुमान जी का गदा। यहाँ पर लाए जी साग, लाए की अभी मर्जी है तो आजकल में ना है तो सह की जो एक दो दिन उसको कोई ऐसा चीज सब खिला दे ताकि फिर तो 6 महीना परहेज में रहेगी। 6 महीने अगर बच्चा को खाने के चलते अगर बच्चा बीमार पड़ा है तो हमसे बुरी सास इस धरती पर। बड़ी बन रहा है क्या? तो बेसन का जी बड़ी बन रहा है, तल भी चुका है, एक तो उठाया था इसमें से। तुम बिस्किट खाओ हम ये खा रहे हैं। बड़ी है ये लो, खा लो आप। माँ बिस्किट है, अभी जा रहे हैं पापा के बिस्किट चुराने। अच्छा हम दिया बैठ के खाएंगे। पापा का तो भाई मेरी गोल्ड होगा, दिया के हम भी खाएंगे, हमारा भी मन होता है जिस रोज उस रोज 6-7 वाह बढ़िया है। फिर 1-2 सप्ताह नहीं खाते, तुमको अच्छा नहीं लगता? तुम्हें बोले थे नमकीन बिस्किट अच्छा लगता है। इसमें अजवाइन वगैरह कुछ मिला, जीरा अच्छा नहीं, ये और अच्छा चीज है, पता देगा नॉर्मल वाला लाते हैं। यहाँ पर जी बड़ी तैयार हो चुका है, कढ़ी में डाला जा चुका है और कुछ देर में लगता है बन ही जाएगा। सभी लोग यहाँ पर बैठ चुके हैं जी, दीदी भी आ चुकी है, मम्मी भी आ चुकी है और उम्मीद करते हैं दीदी और मम्मी में अब जो है आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। जिनको भी कंफ्यूजन होगा कोई बात नहीं जी, उसका जो लिंक हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। अब आते हैं जी वीडियो के टाइटल पर, जो आपने वीडियो का शीर्षक देखा होगा कि 9 महीना बीत चुका है फिर भी जिया क्यों नहीं जा रही हॉस्पिटल, हम लोग क्यों नहीं लेकर के जा रहे हैं, आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि हम लोग इतनी ज्यादा लापरवाह क्यों हो रहे हैं, इस तरह के भी कुछ कमेंट आ रहे हैं जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ, हम अपने से नहीं बोल रहे हैं। तो फिर बताया जाए आखिर क्यों कर रहे हैं हम लोग ऐसा, सभी लोग जानना चाह रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, आप लोग भी जो कर रहे हैं तो हम समझ रहे हैं कि आप लोग का अपनापन है, स्नेह है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं और हम लोग भी समझ रहे हैं इस बात को के बारे में, अभी हम लोग देख रहे हैं। आपका आशीर्वाद है हमारे लिए ये सबसे बहुत बड़ी बात है। अब ये डॉक्टर का टाइम तो 12 तारीख का है लेकिन फिर भी हम क्यों नहीं जा रहे हैं, जो ऐसा है कि डॉक्टर 19 तारीख तक हमें इंतजार करने के लिए बोला गया है, अगर इस बीच में बच्चे का मोमेंट है वो आप चेक करते रहिए। डॉक्टर ने कहा कि 1 हफ्ते तक वो लोग वेट करते हैं, 1 हफ्ते के बाद जो है अपना वो एक्शन लेते हैं जो भी लेना होता है। उसमें हमारा बच्चे अभी तक तो भगवान की दया से सब कुशल ठीक है, वो बीच में कोई तरह की दिक्कत नहीं। और उन्होंने कहा था कि मोमेंट को आप प्रॉपर चेक करते रहिए और कुछ भी तरह का कॉम्प्लिकेशन है तो आपको तुरंत आ जाना है। तो भगवान की दया से आप लोग के आशीर्वाद से सब कुछ तो जी अभी तक तो सही ही लग रहा है, लेकिन देख रहे हैं कि कमेंट लगातार आता जा रहा है और हम लोग भी चिंतित हो गए हैं। हम लोग क्या सबसे ज्यादा तो लगता है डैडी चिंतित हो गए, यार कर ही रहे इनका डैडी का है कि अब जो भी कहा है क्लियर तो आप कर ही लो, अब बहुत जल्द दिक्कत आ जाएगी तो, लेकिन ऐसी बात कुछ नहीं है, हम लोग थोड़ा इंतजार कर रहे हैं डॉक्टर के ही भरोसे से, अपने मन से कुछ नहीं कर रहे हैं। ऊपर से सभी को शक है कि हम लोग का कैलकुलेशन जो अपना था जो 5 तारीख को ही पूरा हो रहा था वह शायद हम लोगों ने कैलकुलेट गलत कर लिया है, गलत कर लिए थे, इसलिए कोई बात नहीं है 19 तारीख तक हम लोग ऐसे भगवान दया सब कुशल रहा तो इंतजार करेंगे। फिर भी लगता है जो कि मन ऐसा हो रहा है सब परिवार का विचलित जो क्या किया जाए, तो लास्ट में हम लोग सोच रहे हैं कल इसको कल एक बार दिखा लिया जाए। और मैं सबके बात को काट करके एक बात कहना चाहती हूँ कि जन्म मरण और विवाह तीनों ईश्वराधीन है, वो जब तक आदेश नहीं होगा किसी का मजा नहीं उसको ला सकता। तो ठीक है जी, तो ऐसी बात है तो उम्मीद करते हैं जी कल जाएंगे डॉक्टर के पास कि डॉक्टर का क्या कहना होता है, डॉक्टर को जो सही लगेगा सब कुछ हम लोग उनके ऊपर छोड़ रहे हैं और डॉक्टर जो है अपनी क्लोज भी हैं। डॉक्टर जो है हम अपनी परिचय देते तो हो सकता है एक परिवार एक इंटीमेसी हो जाए। उम्मीद करते हैं जो भी करेंगी वह सब कुछ उनके ऊपर छोड़ देते हैं, जो भी फैसला लेंगी हमारे लिए सही फैसला लेंगी, बाकी देखते हैं डॉक्टर का क्या कहना होता है आगे। तो अब इस वीडियो को यहीं पर खत्म कर देते हैं, उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होता तो लाइक जरूर करना और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। आप लोगों ने लाइक किया नहीं तो इतना आगे गया अच्छा।
तो अब ऐसा करते हैं, जिस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, और वीडियो को एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपके एक शेयर से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।